एक कार्यालय में पहले बार इंस्टॉल किया गया सॉफ्टवेयर में अभी का स्टॉक किस तरह एंटर कर सकते हैं यह देखते हैं। मेन्यू बार के स्टॉक मेन्यू पर क्लिक करके ओपनिंग स्टॉक पर क्लिक करें। अभी आपके सामने ओपनिंग स्टॉक का विंडो ओपन है। विंडो के नंबर के फील्ड में नंबर अपने आप जनरेट हो जाता है। ज़रूरी है तो नंबर और इंग्लिश अल्फाबेट को मिला के एक कोड तैयार करके दे सकते हैं। स्टॉक किस दिन एंटर कर रहे हैं उस दिन का डेट एंटर करने के लिए है डेट का फील्ड। इसके नीचे है स्टॉक डिटेल्स का टेबल। अभी आइटम्स किस तरह स्टॉक में एंटर कर सकते हैं यह देखते हैं। आइटम नेम के फील्ड में नाम के पहले एक दो अक्षर टाइप करने पर राइट साइड के आइटम लिस्ट में नाम सेलेक्ट होते हुए दिखता है। फिर कीबोर्ड के एरो की के मदद से आप आइटम को सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट किया गया आइटम नीले रंग में और लिस्ट का आउटलाइन पीले रंग में दिखाई देता है। आइटम सेलेक्ट करने के बाद एंटर की प्रेस करें। वह डेटा ओपनिंग स्टॉक के डेटा एंट्री ब्लॉक में आ चुका है। बैच नंबर और एक्सपायरी डेट एंटर करें। मंथ / ईयर के फॉर्मेट में डेट को एंटर करें। रेशियो के फील्ड में आइटम क्रिएट करते समय दिया गया रेशियो को एंटर करें। अगर ज़रूरी है तो रेशियो को चेंज करके दे सकते हैं। परचेस यूनिट और सेल्स यूनिट में स्टॉक एंटर कर सकते हैं। वह सेलेक्ट करने के लिए है ईयर ड्रॉप डाउन। यूनिट सेलेक्ट करने के बाद उसके हिसाब से क्वांटिटी एंटर करें। जैसे कि अगर स्ट्रिप है तो कितना स्ट्रिप और नंबर है तो कितना नंबर यह क्वांटिटी के फील्ड में एंटर करें। रेट के फील्ड में एक स्टॉक यूनिट के परचेस रेट एंटर करें। यहाँ एक बात को ध्यान दें कि किस यूनिट में जैसे कि स्ट्रिप में या नंबर में या बॉटल में स्टॉक एंटर किया गया था उसके हिसाब से यहाँ रेट एंटर करें। अगर रेट मालूम नहीं है तो जीरो दे। MRP के फील्ड में सेल्स रेट एंटर करें। अभी एंटर की प्रेस करें। अभी ऐड किया गया स्टॉक का डिटेल्स ऊपर के टेबल में ऐड होते हुए दिखता है। इस तरह हर एक आइटम को टेबल में एंटर कर सकते हैं। यहाँ एक बात को ध्यान दें कि सेव बटन पर क्लिक करने पर ही स्टॉक टेबल पर के आइटम्स स्टॉक में ऐड होता है। 15 से 20 आइटम एक साथ स्टॉक में एंटर करके सेव करना अच्छा है। फिर बाद में अगर चेंजेस करना है तो यह आसान है। एक स्टॉक एंट्री को डिलीट या अपडेट करना है तो उस एंट्री को विंडो में लाना जरूरी है। उसके लिए एंट्री का सीरियल नंबर नंबर के फील्ड में एंटर करके उसके बाजू वाले छोटा सा बटन पर क्लिक करें। क्लिक करने पर वह स्टॉक डिस्प्ले हो जाता है। अभी जो आइटम में चेंजेस करना है उसे क्लिक करें। क्लिक करने पर वह आइटम सेलेक्ट होते हुए दिखता है। फिर एंटर की प्रेस करें। उस आइटम का डिटेल्स डेटा एंट्री ब्लॉक में डिस्प्ले होते हुए दिखाई देता है। चेंजेस करने के बाद एंटर की प्रेस करें। फिर अपडेट बटन क्लिक करें। सिर्फ एक आइटम डिलीट करना है तो स्टॉक टेबल में आइटम को सेलेक्ट करें। फिर राइट क्लिक करके डिलीट दिस आइटम पर क्लिक करें। उसके बाद अपडेट बटन क्लिक करें। एक सीरियल नंबर में एंटर किया गया स्टॉक पूरी तरह से डिलीट करने के लिए डिलीट बटन पर क्लिक करें।